हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी में। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन की। जो इसका जो बोर्ड मास और बी बोर्ड मास का जो नियम होता है वो आज हम आपको समझाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। बट इस अगर वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो आपको कभी भी जो सरलीकरण के क्वेश्चन होते हैं उनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। जो आपके जैसे कुछ लोग आते हैं बोर्ड मार्क्स, तो वो तो केवल टेंथ तक या नाइन्थ एट में जो आता था वो केवल बोर्ड मार्क्स था, लेकिन जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछता है वी बोर्ड मार्क्स, ठीक है। इसका हम आपको बताते हैं वी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या, ओ का, डी का, ये सब कैसे इनको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए जो वी बोर्ड मास होता है इसका वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है बार, बार बार ब्रैकेट होता है। जो आपने देखा होगा जो ये सिंबल होता है ऐसे जो क्वेश्चन के ऊपर कभी कभी लगा होता है, तो ये बार ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना अगर ये कहीं सिंबल मिल जाए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या सॉल्व करना है बार, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है आपका कोष्टक। ब्रैकेट भी आपके कितने तीन टाइप के होते हैं, सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं। देखिए जो आप ये तीन कोष्टक दिखते हैं, एक छोटा होता है, मंझला होता है, बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है ये मंझला कोष्टक, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को, ठीक है, इनको सॉल्व करते। आप क्वेश्चन में कभी कभी वो आता, वो का मतलब होता है ऑफ यानी का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, ठीक है। कभी कभी आपके क्वेश्चन में ऑफ लिख के आ जाए या हिंदी में का लिख के आ जाए, ऑफ या हिंदी में का लिख के आ जाए तो आप समझना हमको पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवीजन, ये सबको पता होगा कि भाग होता है। एम मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब गुणा होता है, एक मतलब जोड़, एस मतलब घटा लेने, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है। तो इसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि बार अगर ब्रैकेट है तो कहीं वो सॉल्व करते, उसके बाद ब्रैकेट देखते हैं कौन सा है उसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसके बाद अगर आपको कहीं क्वेश्चन में ऑफ मिल जाए का मिल जाए तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी पहले फर्स्ट या सेकेंड मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, उसमें इसको कैसे अप्लाई करना है ये मैं सिखाऊंगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है इसको आप बोर्ड मास के अनुसार करेंगे, ठीक है, कैसे करना है ये सीखिए। इसमें बोर्ड मास का भी मैं आपको नियम बताया है कि बी का मतलब होता है बार ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब बोला, डी मतलब डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि बी, बी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बी का मतलब होता है बार ब्रैकेट, बी का मतलब होता है बार ब्रैकेट, जहां भी ऐसा चिन्ह लगा हो तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम एक एक स्टेप में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर इसके बाद आपको डायरेक्ट बताएंगे कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हमको इतनी चीज सॉल्व करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रैकेट, ठीक है, तब ब्रैकेट करेंगे। अगर 625 में और 425 में तो कितने बचेगा, 200 प्लस 25, ठीक है। इसके बाद प्लस कर देंगे कितना, 50 डिवाइड 10 इंटू 3। अब क्या करना है हमारा, देखिए अभी तो सॉल्व हो गया, जो बाद ब्रैकेट होता है वो तो सॉल्व। इसके बाद आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट ये कौन सा है, छोटा ब्रैकेट है, तो हमको पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो 200 में 225 हो जाएगा जोड़ देंगे, प्लस का कितना 50 डिवाइड बाई 10 इंटू 3। अब देखिए कि ये तो ना तो ब्रैकेट रह गया ना यहाँ कहीं ऑफ लिखा का लिखा, अब इसका मतलब क्या है आपका डी है, एम है, ए है, एस है, ठीक है। तो इसके पहले इसके ऑफ तक हो गया ये, तो अब इसके बाद आया डिवाइड, डिवाइड हमें ये करना है। तो 225 ये तो प्लस का है और डिवाइड अगर इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, अब डिवाइड हो गया, इसके बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी पहले इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसको 225 प्लस 5 से 15, अगर 225 में अगर 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 240,
ये आपका फाइनल आंसर है। अब ये देखिए हमने आपको ये बताया बिल्कुल एक स्टेप पे, क्योंकि ताकि आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ चुके तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। बट इसको आपको ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना आपके एग्जाम में कभी पूछा जाए, इसलिए हमने आपको इतने एक एक स्टेप में लिख के बताया है ताकि आपको आपके एग्जाम में मतलब फर्स्ट ऑफ आप कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाए कि हाँ ऐसे करते हैं। बट अगर आप एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए तो एग्जाम में आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन। देखिए उसने क्या बोला, वी बोर्ड मार्क्स का हमें नियम इस क्वेश्चन में लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको पता है वी बोर्ड मार्क्स के अनुसार हमें वी मतलब बार ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना होता है। अगर इसमें 625 में 425 कम कर देंगे तो कितना आएगा 200, 200 में अगर 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा 225 प्लस। अब जानिए कि इसके बाद क्या हमें कहीं ऑफ है नहीं, कहा है नहीं, डिवाइड है, डिवाइड का मतलब 10 का अगर 50 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 3, 225 में अगर 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 240, यही आपका आंसर है ऑप्शन डी। तो ये एग्जाम में आपको ऐसे करना, वो मैंने एक एक स्टेप इसलिए बताया है ताकि आप अगर पहली बार सीख रहे तो आप सीख जाए और फिर अपने जो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस बुक में दिए हो उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन भी हम आपको बेसिक से पहले सिखाते हैं कैसे करना है। ठीक है पहले आप उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में सॉल्व करना है, इसके बाद आंसर कमेंट करके हमें जरूर बताना, अगर आपको समझ आया है तो आप कर लेंगे तुरंत। ठीक है पहले मैं देखना होता है वी बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसमें कौन सा पहले सॉल्व करना है, उसके बाद कैसा करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है बट आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है इसके हमने देखा कि वी बोर्ड मास के अनुसार हमें सबसे पहले बार दिखाइए, तो हमने देखा कि बार ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अगर 677 में 455 कम करेंगे तो कितना बचेगा 3, 8, 5, 7, 2, 223 में अगर जो 132 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5, 355। ठीक है यहाँ 0.4 से बता रहा है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना 10 बढ़ा लेंगे, 355 का 4 में गुणा करेंगे 4, 5, 6, 20, 4, 5, 6, 20, 12, 14 बटे कितना है 10, 0, 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 142 आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आपको मैंने जो क्वेश्चन समझा दिए है तो आप इन क्वेश्चन को अपने बुक में देख के प्रैक्टिस करें, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।